Hello guys, hope you all are doing good, and this is Dr. Vikas signing in, welcomes you to VP Mantra. Guys, SAS, that is Statistical Analytical System, जो कि 1976 में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी द्वारा एग्रीकल्चरल रिसर्च के डेटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है. इस सॉफ्टवेयर ने बहुत ही कम समय में लगभग सारे सेक्टर्स, दैट इज़ द बैंकिंग, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम, गवर्नमेंट बॉडीज इत्यादि में अपनी उपयोगिता को साबित किया और काफ़ी लोकप्रियता हासिल भी करी. इसलिए आज इन सारे सेक्टर्स में SAS का बहुत फंडामेंटल रोल होता है. SAS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स, दैट इज़ द विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, iOS सब पे कार्य करता है. तो SAS सर्टिफिकेशन को करके क्या कैरियर स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जानेंगे इस एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से. लेट्स पिक. इफ़ यू टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी, तो बैंकिंग के साथ साथ फार्मा एंड मेडिकल साइंस में भी SAS का बहुत यूज़ होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन इन क्लिनिकल ट्रायल डेटा मैनेजमेंट. तो इसके लिए जो फार्मा ग्रेजुएट्स हैं या MBBS या फिर जो मेडिकल साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, वो भी SAS को करने के लिए एलिजिबल. कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो SAS का कोर्स ड्यूरेशन 30 आवर्स का होता है, जिसमें कि चार बेसिक मोड्स होते हैं, दैट इज़ दी ऑनलाइन, कॉरपोरेट, 1-to-1 एंड क्लासरूम. अगर सिलेबस की बात करें तो SAS के सिलेबस के दो बेसिक पार्ट्स हैं, दैट इज़ दी SAS बेस, जिसमें कि 20 मॉड्यूल्स होते हैं, और SAS एडवांस्ड, जिसमें कि 15 मॉड्यूल्स होते हैं. इन सब को करने के बाद यू हैव टू पास दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू एक्वायर द सर्टिफिकेट एंड टू बी कॉल्ड एज SAS सर्टिफाइड एक्सपर्ट. इफ़ यू टॉक अबाउट दी सेंटर्स परसुइंग दी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे हैं, जिसमें अगर कुछ प्रोमिनेंट की बात करें तो टेक डाटा सॉल्यूशंस, सॉफ्टोलॉजिक, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेजरली बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसी सिटी में बेस्ड हैं, जहां पर आप 30 आवर्स का ये सर्टिफिकेशन कोर्स 66,000 फीस में कर सकते हैं. यस, 66,000 इज़ दी एवरेज फीस ऑफ दिस SAS सर्टिफिकेशन कोर्स. नाउ कमिंग टू द स्कोप, SAS का बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है. इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे प्रोग्राम्स, उनके सिस्टम्स, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सब SAS के आधार पर ही बने हैं. इसलिए बैंकिंग सेक्टर में तो SAS का हमेशा डिमांड बनी रहती है. इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सक्लूसिव इसलिए दिया कि अगर आप किसी दूसरे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू स्विच टू बैंकिंग, सो अगर आप SAS परस्यू कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके हाथ में एक अच्छा की पॉइंट आ जाएगा, सर्टिफिकेट, जिससे कि आप एंटर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द फार्मा एंड मेडिकल साइंस, फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस में SAS का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में होता है, जहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च डेटा को प्रोसेस करने के लिए SAS का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल डेटा बहुत बड़ा एक अमाउंट में डेटा होता है, जिसे हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. तो अगर आप इस सेक्टर में इस्तेमाल कर अपना जो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अगर आप बी फार्मा, एम फार्मा, MBBS, BDS अगर ग्रेजुएट हैं, तो SAS का सर्टिफिकेशन कोर्स करके मेडिकल साइंस और क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट डेटा में आप SAS एनालिस्ट, SAS प्रोग्रामर, डिसीजन एनालिस्ट, कस्टम एनालिटिक्स मैनेजर इत्यादि के पोस्ट पर जॉब करके अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी सैलरी, द स्टार्टिंग सैलरी ऑन एन एवरेज ऑफ द SAS सर्टिफाइड एक्सपर्ट गोज फ्रॉम 3.6 to 6 lakhs पर एनम. ये था SAS, दैट इज द स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल सिस्टम के ऊपर एक ब्रीफ क्विक रिव्यू वीडियो. आपकी कोई भी क्वारी, क्वेश्चन, सजेशन हो, कमेंट करिएगा. वीपी मंत्रा को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पर्सनल DM के माध्यम से मैं बहुत लोगों को हेल्प करता हूँ. बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि एक क्विक वीडियो में कवर अप कर पाना संभव नहीं है. फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसको भी लाइक कर लें. मैं बहुत जल्द ही बहुत सारे अपडेट्स सब वहाँ पर डालने वाला हूँ. तो बस अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में. टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक. We'll be right back.